श्री हरिं परमानंदम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। प्रभुर्नंद कुमारो मे स्वामिनी वृषभानुजा कृतार्थोऽहम् 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 न संशयः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। गौ मात की जय।
सदगुरु भगवान की जय। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। आवश्यकता किसी की अधूरी नहीं रहती और इच्छाएं सबकी पूरी नहीं होती। परमात्मा ने ऐसी व्यवस्था करी है कि केवल मनुष्य ही नहीं, इस पृथ्वी पर बसने वाले किसी भी प्राणी की यदि वो अपने धर्म में रहे तो आवश्यकता अधूरी नहीं रहती। जिन पंच महाभूतों से हमारा शरीर बना है, इस शरीर को बनाए रखने के लिए उन्हीं पंच महाभूतों की जरूरत पड़ती है। हमको धारण करने के लिए धरती है, वो अन्न दे रही है, हमारी भूख मिटाती है। जिस प्रकार मां अपनी गोद में बच्चे को सुलाती भी है और दूध पिलाती भी है, दोनों प्रकार से धारण करती है मां। धरणी को हम मां कहते हैं, पृथ्वी माता हमको धारण करती है। हमारे शरीर को बनाए रखने के लिए जल की आवश्यकता है, ये हमारी आवश्यकता है, बिना उसके हम जी नहीं सकते। परमात्मा बरसाता है जल। यदि मनुष्य अपने धर्म में रहे, और धर्म क्या है? यज्ञमय जीवन जीना। और यज्ञमय जीवन जीने से सीधा साधा तात्पर्य है, जो भी तुमको प्रकृति के द्वारा, देवताओं के द्वारा प्राप्त है, उसको अकेले मत भोगो, बांट कर खाओ। जो भी प्राप्त हुआ है धर्म पुरुषक, धर्म पूर्वक पुरुषार्थ करते हुए, वो प्रसाद है। और प्रसाद को जो बिना बांटे अकेला खाता है, भगवत गीता के अनुसार वो चोर है। तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः। तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं का यजन करो, तुम्हारे यज्ञ से प्रसन्न देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे। देवताओं के द्वारा प्रदत्त भोगों को पुनः देवताओं को लौटाए बगैर अकेले खा लेना, अकेले अपने लिए भोग करना, ये आसुरी वृत्ति हो जाएगी। असुशुरमंते इति असुराः। मानव हो तो यज्ञ करो, यज्ञमय जीवन जियो, क्योंकि प्रकृति का प्रत्येक तत्व यज्ञ में निरत है। चाहे सूर्य हो, चाहे चंद्र हो, चाहे धरती हो, जो पाता है पुनः लुटाता है। बादलों ने पाया बरसाया, पर्वतों ने पाया रख नहीं लिया, नदियों के रूप में बहाया। नदियों ने पाया, लोगों की प्यास बुझाया, खेतों को सींचा,
पाओ और लुटाओ। जिसके भी जीवन में श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ हो, यानी परम तत्व का प्रागट्य हुआ हो, जैसे नंद बाबा ने लुटाया, वो संग्रह नहीं करेगा, वो लुटाएगा। जो पाएगा लुटाएगा। अरे भैया, शरीर के किसी एक अंग में भी आवश्यकता से अधिक खून का संग्रह हो जाए, समस्या होती है। रामायण में भगवान राम का प्रागट्य हुआ, तुलसीदास जी ने एक बहुत बढ़िया चौपाई लिखी कि सर्वस दान दीन सब काहू। सभी ने सर्वस्व का दान किया, और सभी ने यदि सर्वस्व का दान किया तो लिया किसने? अंत में जाकर इकट्ठा कहां पर हुआ? सभी ने इतना कुछ दिया, सब गया कहां? किसके पास? किसने इकट्ठा किया? और तुलसीदास जी कहते हैं, जिन पावा राखा नहीं ताहू। किसी ने इकट्ठा नहीं किया, जिसने भी पाया उसने फिर लुटाया। आपकी इकोनॉमी को भी तंदुरुस्त बनाने के लिए यही सूत्र महत्वपूर्ण है। पाओ, कमाओ, लुटाओ। जब ये लुटाने की, देने की, त्याग की वृत्ति कम होने लगती है और उसके स्थान पर संग्रह की, प्रतिग्रह की भावना पनपने लगती है, तो समाज बीमारी की ओर, पाप की ओर आगे बढ़ता है। अतः हमारे शास्त्रों में प्रतिग्रह को पाप रूप माना। श्रीमद् भागवत ने तो स्पष्ट कहा ही है कि आवश्यकता से अधिक जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास है, वो तुम्हारा नहीं है। संयोग से तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास है तो तुम्हारा धर्म यह है कि उसका सदुपयोग करो। उसको जो अपना मान लेता है, भागवत भी कहता है, वो चोर है। यावत् ब्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्ते नो दंड मरहति। वह स्तेन यानी चोर है, दंडम अरहति वह दंडनीय है। तो धारण करने के लिए धरती है, तुम्हें जीवन देने के लिए जल है, तुम्हें रोशनी देने के लिए तुम्हें धूप चाहिए, अतः सूर्य नारायण है, अग्निदेव है, तुम्हें फेफड़ों में भरने के लिए, तुम्हें प्राण शक्ति प्रदान करने के लिए ये प्राणवायु, ये हवा चल रही है, और ये आकाश है, तो तुम यहां से वहां जा सकते हो, वहां से यहां आ सकते हो, अवकाश है। तो आकाश की वो व्यापिनी शक्ति, वायु की वो गतिमती शक्ति, तेज की वो जो प्रकाशिका और दाहिका शक्ति है, जल की जो आप्यायनी शक्ति है, और धरती की जो धारिणी शक्ति है, ये पांचों महाभूत से बना हुआ तुम्हारा शरीर इन पांचों महाभूतों की कृपा से ही टिकता है, जीवन चलता है। इन दिनों में मुझे तो जो लग रहा है, मैं कहता हूं कथाओं में, कि
आपका बिजनेस भले ही प्रोप्राइटरशिप में कई लोग कर रहे हो, पब्लिक लिमिटेड नहीं बनाया है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं, पार्टनरशिप नहीं है, प्रोप्राइटरशिप में कोई धंधा कर रहा है, लेकिन ये जिंदगी जो है ना वो पार्टनरशिप में ही चलती है, इसमें प्रोप्राइटरशिप नहीं काम करती। एंड यू नो व्हाट, हु इज योर पार्टनर? भगवान। क्या समझते हो कि बिना भगवान की कृपा से हमारा जीवन चल सकता? मत भयात वाति वातोयम, किसके चलते ये सूरज रोशनी दे रहा है, किसके चलते बादल बरस रहे हैं, किसके चलते ये धरती अन्न दे रही है, और तुम जो भी कुछ कर रहे हो उसमें परमात्मा निरंतर तुम्हारे साथ है। वो कहते हैं ना कि भगवान कहते हैं चल धरती मैंने तैयार रखी है, भैया तू किसान बनकर जोत ले, हल चलाओ, ये काम तुम्हारा, फिर बीज की बुवाई करो, वो काम तुम्हारा, तो बीज को अंकुरित करने का काम मेरा, उस पौधे को मैं बड़ा करूंगा, तुम खाद दो, तुम उसकी सुरक्षा करो, उसको रोशनी देना, वायु देना, उसको बढ़ाना, ये मेरा काम, उसमें दाने भरना, उन दानों में, अन्न के उन दानों में पोषणी शक्ति भरना, ये मेरा काम, कटाई तुम करो, फिर अन्न तैयार करके और पीस करके आटा बनाकर रोटी सेक कर घी चुपड़ कर थाली में परोसी जाए तो ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, भगवान को हम भूख लगाते हैं, और फिर खाने का काम तुम करो, भगवान कहते हैं पचाने का काम मैं करूंगा, तुम खाकर सो जाना, आगे वाला काम मैं संभाल लूंगा, पचाम्यन्नम चतुर्विधम। तो परमात्मा पार्टनर है, और इसलिए हम जो कुछ कर रहे हैं परमात्मा की शक्ति से कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ये जीवन चल रहा है, तो एक प्रामाणिक पार्टनर की तरह भगवान का भाग, भगवान का हिस्सा निकालना ही चाहिए। देते रहना चाहिए। ईशावास्योपनिषद में पहला ही मंत्र, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। जब ये बांटने वाली प्रवृत्ति, जब त्याग की वृत्ति, जब यज्ञ भावना मनुष्यों में नहीं रहती, तो धीरे 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 असुर बढ़ते चले जाते हैं, भोग की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, और उसके लिए अनेक पाप पृथ्वी पर पनपने लगते हैं। आप रामायण की कथा सुनते हो, भागवत की कथा सुनते हो, हर बार आपने सुना है कि जब भी कोई असुर, कोई राक्षस, उसका शासन होता है, उसका प्रभाव, तो पहला काम क्या करता है? यज्ञ आगादी बंद करा दो। सी, यज्ञ को बंद कराना या तो यज्ञ चालू रखना, उसको इतनी ज्यादा अहमियत क्यों दिया गया है? है अहमियत, क्योंकि जीवन यज्ञमय नहीं है तो अनेक प्रकार की आपत्तियों को हम निमंत्रित करते हैं। प्रकृति में प्रत्येक तत्व यज्ञमय जीवन जी रहा है। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
पुरुष सुक्ता का अंतिम मंत्र, और आप लोग मंत्र पुष्पांजलि में बोलते हो तो कई लोगों को वो मुखपाठ भी हो गया होगा, यज्ञमय जीवन हो। जब यज्ञमय जीवन नहीं होगा तो यज्ञ से ही देवता को खुराक मिलती है, यानी आपके अंदर के सद्गुण, आपके अंदर की त्याग की, समर्पण की, परमार्थ की जो वृत्ति है, वो सब सद्गुण इस यज्ञ प्रवृत्ति से ही न केवल जिंदा रहते हैं, पुष्ट रहते, मजबूत बनते हैं। तो यज्ञ जैसे ही बंद करा दिया जाए तो आपके अंदर की त्याग की वृत्ति, दान देने की प्रवृत्ति, परहित के लिए अपने जीवन की सांसों को खपाने की भावना, वो समाप्त हो जाती है। तो धर्म ही कहां रहा? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, उल्टे पर पीड़ा जैसी जो अधमता नहीं है उसमें लग जाएगा आदमी तो असुर बन जाएगा। और जब जब ऐसी आसुरी वृत्ति बढ़ेगी, भोग वृत्ति बढ़ेगी, अपने भोग अपने स्वार्थ के लिए बेईमानी करना, अरे किसी का गला तक काटना, लूटना, चोरी करना, हिंसा पर उतर आना, इस प्रकार के सब पाप बढ़ने लगते हैं, तो पृथ्वी वो पाप सह नहीं पाती। कौन भूमि से भारी? बोले पाप भूमि से भारी। आप चाहे राम कथा सुनो, आप चाहे भागवत कथा सुनो, जब जब इस प्रकार का पाप बढ़ जाता है और पृथ्वी पाप का भार सह नहीं पाती तो पृथ्वी क्या करती है? बोले गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना, तब गाय का रूप बनाकर, याद रहे गाय का रूप बनाकर, गाय का रूप बनाकर वो रोती हुई, श्रीमद् भागवत की कथा है, वो रोती हुई पृथ्वी सबसे पहले जाती है मुनियों के पास, राम कथा भी कहती है मुनियों के पास जाती है, ऋषियों के पास जाती है। आप लोग कुछ करो, कथा करो, प्रवचन करो, लोगों को प्रेरित करो त्यागपूर्ण जीवन जीने के लिए। आप लोग मार्गदर्शन नहीं करेंगे तो प्रजा में तो मार काट छाट यही होगा। आप लोग मेरी सहायता करो, और सभी ऋषि मुनि, सभी कथावाचक इस सेवा में लगते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 वो भी अपना प्रभाव खोने लगती है, कथा वाली प्रवृत्ति भी। हां ऐसा होता है, वो तो भागवत में लिखा है, महात्म्य में लिखा, विप्रैर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। तो ये अच्छी प्रवृत्ति है लेकिन वो भी अपना प्रभाव खोने लगेगी। फिर बोले सब मिलकर के देवताओं के पास गए, देवताओं ने कहा जब यज्ञ ही नहीं हो रहा है और हमको खुराक ही नहीं मिल रही है तो हम तो खुद दुबले मरे जा रहे हैं, कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? बोले दुनिया बनाने वाले बाप के पास चलते हैं, चलो। कौन? बोले ब्रह्मा, वो सृष्टा है, वो सृजन करने वाले। तो उस बाप के पास जब जाकर लोग, यानी पृथ्वी, ऋषि मुनि, देवता सब मिलकर के कहते हैं, वो नहीं भजन भी है ना, दुनिया बनाने वाले तूने काहे को दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, और बनाई तो ऐसी कैसी बनाई? ब्रह्मा जी आप सृष्टा है, ये सब क्या हो रहा है आपकी बनाई हुई दुनिया में? तो
तो ब्रह्मा ने कहा कि भाई हम तो चारों मुंह से चार वेद के माध्यम से मार्गदर्शन किए हैं कि इस तरह का जीवन जीना है, सिर्फ बिना लॉ एंड ऑर्डर कोई राष्ट्र टिकता है क्या? तो ये अस्तित्व, ये पूरी सृष्टि, यहां भी एक लॉ है, एक ऑर्डर है और वो मेंटेन होना चाहिए। एंड एज अ गुड सिटीजन वी आर सपोज टू रिस्पेक्ट दैट लॉ। अब ये पहनना है तो पहनना है, और कार में हो और नहीं पहना तो मुंह दिखाई 2000 रुपया दे दो। अभी अभी हमारे सुभाष जी देकर आए, फिर 2000 रुपया मुंह दिखाई दे दो। तो नियमों का पालन करना पड़ता। अब फिर मुझे बता रहे थे कि आज फिर आ रहा था तो थोड़ा सा यूं नीचे था तो फिर रोका, बोले लाओ 2000 रुपया, बोले कल वाली रिसिप्ट दिखाई कि भैया कल ही भरा है। तो अगला थोड़ा कोई दयालु निकला, बोले अब ध्यान रखना, नहीं तो कहता कि आज भी 2000 दो ताकि आपको याद रहे कि ये ठीक ठीक लगाना है। बिना लॉ एंड ऑर्डर कानून बनाए जाते हैं, कानून बनाने की प्रक्रिया है, कानून को लागू करवाने वाली एजेंसी है, वो भी नॉन करप्ट होनी चाहिए, चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए, तो कोई देश तरक्की कर सकता है, उस देश में शांति, भाईचारा और प्रोग्रेस ये हो सकता है। तो उसी तरह धर्म के मामले में भी वही है भैया। ब्रह्मा जी का एक नाम है विधि, तो ब्रह्मा जी ने विधि निषेध बताया है। विधि निषेध मय कलिमल हरनी, कर्म कथा रभिनंदन बरनी। तो चारों मुख से चार वेद है और उसके माध्यम से उस जगत के सृष्टा ने मार्गदर्शन किया है। लेकिन कभी कभी ये होता है कि उनके बोलने का भी प्रभाव कमजोर होने लगता है। वेद कमजोर नहीं होंगे, लेकिन वेदों का हम पर जो प्रभाव है वो धीरे धीरे, और ऐसा होता है नहीं, वेदों के प्रति कई लोगों की आस्था घटती है और कई लोग तो आस्था को तोड़ने का भी काम करते हैं। अब क्या करें? बोले ब्रह्मा जी के हम भी जिनकी आज्ञा में रह करके सृष्टि की रचना करते हैं, उन भगवान के पास, उन परमात्मा के पास जाएं। और इसलिए भागवत जी की कथा है कि गाय के रूप में पृथ्वी, ब्रह्मादि सब देवता और साथ में भोले बाबा शंकर जी है। क्या होता है कि आदमी जब परेशान हो जाता है, त्रस्त हो जाता है, निराश हो जाता है, तो फिर कहता है ब्रह्मा जी को, आपने बनाया, आप ठीक से चला नहीं सकते, तो ऐसी पृथ्वी, ऐसा जीवन होने से तो ये न हो वही ठीक है। भोले बाबा आप तीसरा लोचन खोलो, खत्म कर दो सब, नए सिरे से बनाओ। तो भोले बाबा ने कहा ऐसे तुरंत खत्म नहीं किया जाता, ये तीसरा लोचन वो यू बार बार थोड़ी ना खुलता है, क्योंकि तीसरा लोचन खुले तो फिर कुछ नहीं रहता। अभी काशी से आ रहे हैं तो वहां भोले बाबा की होली की बात ये लोग कलाकार लोग सुना रहे थे, तो बढ़िया बात सुनाई। बोले भोले बाबा की जब शादी हो रही थी, विवाह हो रहा था, तो पार्वती जी की सखियां और बहनें और ये सब मिलकर के बोले वो ऐसी कुछ विधि है ना यहाँ की, वो दूल्हे के आंख में काजल लगाती है। अब ये दूल्हा तो 3 आंखों वाला, तो 2 आंखों में तो काजल लगाया, बोले ये खोलो इसमें काजल लगाना है। भोले बाबा ने कहा वो रहने दो, नहीं तो शादी नहीं होगी, कुछ और होगा। नहीं नहीं बोले हम तो काजल लगा के रहेंगी। तो दुल्हनिया की बहनों ने
ऐसा आग्रह किया कि नहीं नहीं हम तो उस तीसरी वाली आंख में भी दो में काजल लगाए तो फिर तीन आंखें क्यों रखी है। सूर्य शशांक वह निनयनम, तो तीसरी वाली आंख में भी काजल तो लगाना पड़ेगा। तो भोले बाबा भागे वहां से भागे, तो इनकी सब सखियों ने और बहनों ने पीछा किया। भागते भागते बोले भोले बाबा अपने घर में, मतलब स्मशान में घुस गए। अजय से अंदर घुस गए तो बोले ये वहां कहां जा रहे हैं, ये शादी की बात हो रही है और ये स्मशान में जा रहे हैं। तो किसी के हाथ में भोले बाबा का वो वाघंबर आ गया, वाघंबर आया और भोले बाबा तो चले गए, वाघंबर इसके हाथ में रहा। और फिर वहां जाकर के भूत प्रेतों ने जो राख उड़ाना शुरू किया तो बोले दिगंबर खेले मसाने में होली। तो भगवान शंकर मसान में स्मशान में होली खेल रहे हैं और उसमें कोई अबिल गुलार नहीं उड़ रहा है राख, उससे दिगंबर खेले मसाने में होली। तो बोले सब सखियां वहीं से दर्शन करके लौट गई, इनको खेलने दो अब। तो तीसरी आंख कोई बारी इतना तुरंत जल्दी थोड़ी ना खुलती। ब्रह्मा जी के पास जाए, ब्रह्मा जी सब लेकर के भगवान नारायण के पास जाते हैं और तब नारायण कृपा करके पृथ्वी के भार को हरने आते हैं। अब भागवत जी की कथा सुनो, आप लोगों ने कई बार सुनी है, मैं केवल उस और आप लोगों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन यर्ये वाजन जन्मर्क्षम शांतर्क्ष ग्रह तारकम योग लग्न ग्रह वार तिथि सब अनुकुलवा। राम जन्म में भी योग लग्न ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। श्रीमद भागवत में है दिशक प्रसई दुर्गगनम निर्मलोडु गणोदयम ववव्वायु सुखस्पर्श वर्षा ऋतु थी लेकिन आकाश निर्मल हो गया। फिर उडुगण दिखने लगे, उडुगण तारे नक्षत्र, शीतल मंद सुगंधी हवा चलने लगी और कहते अग्नयश्च द्विजाती नाम ऋषियों ब्राह्मणों के आश्रमों की यज्ञशाला में वेदिका में जो अग्नि बुझसी गई थी, यानी यज्ञ नहीं हो रहे थे, अग्नि प्रकट हो गई। भैया आग प्रकट होनी चाहिए, यदि वो आग प्रकट ना हो ना तो ऐसे कार्यक्रम भी नहीं हो सकते। वो आग प्रकट ना हो तो गौशाला नहीं चल सकती। वो आग प्रकट होनी चाहिए कि हमको भी देना है इसमें आहुति, वो एक अग्नि है, बिना अग्नि के यज्ञ नहीं होता। आग पैदा होनी चाहिए, राष्ट्र भावना की भी आग पैदा होनी चाहिए। मैं अपने स्वार्थ के लिए मेरे अपने राष्ट्र का नुकसान कैसे करूं, अपनी जेब भरने के लिए भ्रष्टाचार करने के लिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का जिम्मा मुझे मिला है, लेकिन मैं स्वयं अपना घर भरने के लिए देश की व्यवस्था को कैसे बिगाड़ूं। आसुरी और दैवी वृत्ति में इतना ही अंतर है। जब यज्ञमय जीवन नहीं जिएंगे, उसके त्याग और समर्पण के स्थान पर भोग और अपहरण, परमार्थ की जगह स्वार्थ, तब गाय कटेगी, तब गाय रोएगी, तब गाय दुखी होएगी। पृथ्वी जब भी परेशान होती है गाय का रूप बनाकर जाती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में है।
आप श्रीमद् भागवत का पृथु चरित्र पढ़िए। धरती का धर्म है वो अन्न दे, अन्न देना चाहिए। तो धरती ने बोले अन्न देना बंद कर दिया था। भगवान पृथु जब प्रकट हुए और पृथ्वी को राजा बनाया गया, प्रजा को भूखे मरता देखकर पृथु राजा को पृथ्वी पर बड़ा गुस्सा आया। भागवत में कथा है भगवान पृथु ने पृथ्वी को दंड देने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया। अगेन पृथ्वी गाय का रूप लेकर भागी, पीछे पीछे धनुष बाणधारी पृथु और आगे आगे गो रूप धारिणी पृथ्वी। अब ये सब जब कथा सुनो तो कई लोग जो बड़े बुद्धिमान होते हैं वो कथा सुनकर के प्रश्न करते हैं, पृथ्वी गाय का रूप लेकर के भाग रही थी तो पृथु इसके पीछे पीछे कहां भाग रहे थे, स्पेस में? तो पृथु को कौन धारण कर रहा था? इस प्रकार की बुद्धि मत लड़ाओ, कथा सुनो। और कथा का जो संदेश है, उन कहानियों के पीछे जो एक मैसेज है, वो समझने की कोशिश करनी है। तो आगे आगे गाय रूपधारी पृथ्वी और पीछे पीछे धनुष बाणधारी पृथु। जहां गई धरती बचने के लिए, उसने पृथु को ही सामने देखा। भगवान है पृथु और भगवान व्यापक है। कहां जाओगे, जहां जाओगे हमें पाओगे, ठाकुर जी कहते हैं, क्योंकि वो तो व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कहते अंत में पृथ्वी पृथु की ही शरण में आई। मुझे मारिएगा नहीं, मैं दंडनीय नहीं, दया की पात्र हूं। आप ये तो देखते हैं भगवान कि मैं अन्न क्यों नहीं देती, लेकिन अन्न क्यों नहीं देती के कारण में भी तो भगवान आप जाइए, क्योंकि राजा वैन ने यज्ञ यागादि बंद करा दिए थे। इसलिए पृथ्वी को वो जो अन्न देने की शक्ति है वो नहीं रह गई। तो इनसे कहिए कि यज्ञ करें। और कथा है कि पृथु फिर से यज्ञ शुरू कराते हैं। और आपने भागवत का पृथु प्रकरण पढ़ा होगा, सुना होगा कि तब भगवान पृथु सभी समुदायों से कहते हैं कि भाई पृथ्वी को भोग्या मत समझो, मां है, बच्चे बनकर के मां के पास जाओ। कोई मां अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती। तो मानव समुदाय के लोग गए, मनु को बछड़ा बनाया और उनको अन्न मिला। देव समुदाय के लोग गए, इंद्र को बछड़ा बनाया तो उन्होंने पृथ्वी रूपी गाय से अमृत का दोहन कर लिया इत्यादि। सबको जो भी दूध चाहिए था, ये आप जो इंडस्ट्री चला रहे हो, आप जो माइनिंग बिजनेस में हो, उद्योग में, कोई लोहा निकाल रहा है, कोई चांदी निकाल रहा है, कोई गोल्ड माइन रखे हुए हैं, कोई ऑयल निकाल रहा है दुनिया के कई देश, और आजकल तो भाव क्रूड ऑयल के आसमान को छू रहे हैं। चाहे ऑयल निकालो, चाहे खेती बाड़ी करो और अन्न की पैदावार बढ़ाओ, चाहे चांदी निकालो, चाहे सोना निकालो, ये सब क्या है? पृथ्वी को दोहना। गाय दूध तो तब देगी जब चारा चरेगी। जिसको खाने को ही नहीं मिलेगा वो बेचारी दूध कब तक दे पाएगी? अंत में वो गाय ही मरेगी। इसलिए ये केवल गाय को जिंदा नहीं रखना है, ये अपने को जिंदा रखने के लिए। चारा देकर हम गाय पर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम अपने पर उपकार कर रहे हैं।
अपने जीवन को बनाए रखने के लिए, अपनी सुखाकारी के लिए, यह स्वार्थ नहीं हो गया क्या? बोले ना, इससे मां प्रसन्न ही होती है। जो बच्चे इस प्रकार से सोचे और पुरुषार्थ करे वो मां प्रसन्न ही होती है। बिना चारा दिए बस गाय से केवल दूध ही लेते रहना, गाय का तो काम है देते रहना, लेकिन एक समय आएगा कि उसकी शक्ति, उसका सामर्थ्य जवाब दे जाएगा, फिर कुछ न कर पाएगी। तो पृथु ने कहा, देखो ये क्या अद्भुत कथा है भागवत की, एक एक ये पृथु राजा है और धरती का नाम पृथ्वी पड़ा। पृथ्वी क्यों हुआ? धरती को हम पृथ्वी क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथु ने, ध्यान से सुनो, ये साधारणतया राजा भूपति कहलाता है। भैया भूपति केवल भगवान है, पृथ्वी के पति भगवान है। विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। भगवान पृथु बनकर के आए और पृथु भगवान ने एक नया दृष्टिकोण दिया राजाओं के लिए, शासकों के लिए। क्या? पृथु ने धरती को अपनी पुत्री माना, यानी राजा को चाहिए कि वो अपने आप को भूपति न माने, धरती को अपनी पुत्री माने। तो पृथु की पुत्री है इसलिए धरती पृथ्वी कहलाई। अब जब बेटी के रूप में देखते हो तो दो बातें, एक तो बेटी को पाल पोस करके बड़ा करना, उसे पढ़ाना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको संस्कार युक्त बनाना, उसकी रक्षा करना, उसका पोषण, उसकी रक्षा, उसकी शिक्षा, फिर बेटी का विवाह कर देता है बाप। बेटी से लेता नहीं, बेटी को देता है। राजाओं, सांसदों, विधायकों, सुनो भागवत का संदेश, सुनो, सत्ता की कुर्सी को भी, चाहे वो चुने हुए प्रजा के प्रतिनिधि हो, चाहे किसी पद पर नियुक्त सरकारी कर्मचारी हो, अधिकारी हो, उन्हें चाहिए कि उस कुर्सी को वो पुत्री माने, बेटी से लेते नहीं। और दुख की बात तो यह है कि बेटी से लेने की तो बात छोड़ो, ये तो बेटी को बेच रहे हैं, सत्ता को बेच रहे हैं, अपनी कुर्सी को बेच रहे हैं, पैसा ऐंठ रहे हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये राक्षसी वृत्ति है। तब पृथ्वी गाय का रूप बनाकर रोती है। कुछ समझ में आए इन कथाओं से संदेश, तो गायों की यह दशा नहीं होगी। गाय की बड़ी महिमा शास्त्रों में है। मैंने तो थोड़ा आपको साइंटिफिकली और थोड़ा लॉजिकली समझाने की चेष्टा, आप लोग तो श्रद्धालु हैं, आपको कोई लॉजिक नहीं चाहिए, आप तो सीधे सीधे ही स्वीकार करने वाले, श्रद्धा से गाय को माता मानने वाले लोग हैं। लेकिन आप भी ऐसे कई लोगों के संपर्क में आते होंगे जो आपसे ये कहते हैं कि भाई ये क्या लगा के बैठे हो, अरे बेरोजगारी प्रश्न है, उसको सॉल्व करो ना। कई इंडस्ट्रीज मर रही है, समाप्त हो रही है, कंपनियां खत्म हो रही है, सरकार को पहले वो देखना चाहिए। तो आप इन कथाओं के पीछे जो भाव है उसको समझ सको,
इसलिए आपको यह समझाया गया कि आप भी उनको समझो और समझाओ। और गाय मतलब ये गो माता तो है ही है, लेकिन ये गो मतलब पृथ्वी, ऐसा भी अर्थ होता है, पृथ्वी भी गाय है। तो हमें रक्षा करनी होगी। पृथ्वी को गाय समझ करके हम गो माता की रक्षा की बात करेंगे तो पर्यावरण की रक्षा की बात अपने आप सामने आएगी। पृथ्वी को गाय मानकर पृथ्वी की रक्षा की हम बात करेंगे तो पृथ्वी का दोहन, और दोहन भी नहीं, उससे आगे बढ़कर के शोषण करने की जो प्रवृत्ति है उसके ऊपर रोक लगेगी और हम पृथ्वी और पर्यावरण प्रकृति के साथ एक संवादिता कायम करते हुए जीवन जिएंगे। उस जीवन शैली को ही हिंदू जीवन शैली कहते हैं, उस जीवन शैली को ही ऋषि जीवन कहते हैं। हम ऋषि की संतान हैं, हमें इसी तरह गोवत्स बनकर, पृथ्वी माँ है हमारी, गोवत्स बन करके गो माता की सेवा में, पृथ्वी माता की हम संतान हैं, पृथिव्या पुत्रो हम पृथिव्याहा, इस तरह से हमें माँ की सेवा में इसलिए संकल्पबद्ध होना है कि लगना है कि बचना है। ये कोई हम गाय पर उपकार नहीं कर रहे हैं, ये हम अपने पर ही उपकार कर रहे हैं, अपने ही इहलोक और परलोक दोनों को सुधारने की बात है। पूज्य गो ऋषि दत्त शरणानंद जी महाराज एक जो बहुत बड़ा यज्ञ लेकर के बैठे हैं और हम सब उनके साथ लगे हुए हैं। मुझे भी एक बार वहाँ कथा सेवा करने का अवसर मिला था नंदीग्राम में, और वो भी जो सत्र था बड़ा स्मरणीय और बड़ा दिव्य रहा। अनेकानेक साधु संत सब पधारे, तो देश के विभिन्न प्रांतों में अनेक अनेक गो प्रेमी, गो सेवी, संत सेवी हमारे समाज के लोग रहते हैं। वे सब इस प्रवृत्ति के साथ जुड़े, लाखों की संख्या में गो माता की सेवा हो रही है। मैं एक बात कह करके फिर अपनी बात को विराम दूंगा, और वो यह है कि जब भी गाय की बात आती है तो ये मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, क्योंकि वो चाबी है गाय को बचाने की। एक ही चाबी से ताला खुल जाएगा, बिलीव मी, एक ही चाबी से ताला खुल जाएगा। गाय को बचाना है, गाय को कटने से बचाना है और भूखी मरने से भी बचाना है, एक ही चाबी से ताला खुल सकता है। गौशालाएं तो चलेंगी, गौशालाओं को चलाने के लिए, उसका खर्चा निकालने के लिए इस प्रकार के आयोजन के द्वारा फंड रेजिंग की प्रवृत्ति भी चलती रहेगी, चलती रहनी भी चाहिए। लेकिन इससे गाय पूर्णतया बचेगी नहीं, हर साल 100-150 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लो, 1000 करोड़ इकट्ठा करोगे तो भी नहीं बचेगी। एक चाबी बतलाते हैं और गाय बचेगी, और वो चाबी क्या है, वो सॉल्यूशन क्या है कि जो गौशाला में 11 रुपये का डोनेशन भी नहीं दे चलेगा फिर भी गाय बचेगी। एक काम कर ले, क्या गोव्रती बनो, गोव्रत ले लो। इसका मतलब है मैं गाय का दूध ही खाऊंगा पीऊंगा, गाय का माखन, गाय से बना घी, उसी घी में बनी मिठाई, वही, नहीं तो कुछ नहीं लूंगा। बस एक एक हिंदू, एक एक वैष्णव यदि यह संकल्प कर ले गोव्रती बनने का,
देखो क्या क्रांति होती है। ये चाबी है, वंडर्स क्रिएट हो सकता है यदि गोवर्ती बनने लगे लोग हिंदुस्तान में, कम से कम हिंदू। विगन की बात छोड़ो, उनकी तो दुनिया निराली है, वो डेयरी प्रोडक्ट कोई छूते नहीं है, ठीक है, लेकिन हम तो इसको अमृत मानते हैं। गो दुग्ध अमृत है, गो घृत अमृत है, गो द्रव्य अमृत है, अरे गो मूत्र को हम अमृत मानते हैं। गोव्रती बने यदि कम से कम प्रत्येक हिंदू, वो बात दूर की रही, अरे 50% हिंदू भी यदि गोव्रती बन जाए, कितनी आबादी है हिंदुओं की, 50% भी यदि हिंदू गोव्रती बन जाए, देखो फिर गाय के दूध की, घी की, माखन की डिमांड कैसे बढ़ती है। आप सब तो व्यापारी है, इकोनॉमिक्स का नियम है, डिमांड राइजेस देन प्राइस राइजेस, एंड व्हेन प्राइस राइजेस सप्लाई बढ़ाने के लिए सब लोग कमाने के लिए उसमें आएंगे। इसके साथ जुड़ा हुआ एक अर्थशास्त्र, और पुराने जमाने से यह है, नंद बाबा भी यही तो करते थे। क्यों भाई टैक्स भरेंगे, नंद बाबा टैक्स कुछ चुकाने गए थे कंस को, नंदह कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वह, लिखा है स्पष्ट। तो कौन सा कर, कौन सा टैक्स चुकाना था, क्या बिजनेस था, क्या कार्य था, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, एक वैश्य के रूप में उनका वो कार्य था। तो इसके साथ जो जुड़ा हुआ अर्थशास्त्र है, और पुराने जमाने में गाय हमारी अर्थव्यवस्था की आधारशिला हुआ करती थी। श्री कृष्ण ने इंद्र के यज्ञ का वो भंग करा के गायों का यज्ञ, गोवर्धन का यज्ञ और ब्राह्मणों यानी गुरुओं का यज्ञ शुरू कराया, वो क्यों, इसके पीछे जगतगुरु भगवान श्री कृष्ण की क्या दृष्टि है। ये केवल कर्मकांड नहीं है कि हम 56 भोग गिरिराज की झांकी बनाए, 56 भोग सजाए और प्रसाद लेकर के चले गए, ना, जो संदेश है वो हम हिंदू प्रजा को समझना पड़ेगा। नहीं तो कथाएं तो कथाएं हैं, एक सात्विक मनोरंजन तो हो जाएगा, लेकिन आपकी समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, जबकि वो सॉल्यूशन इन कथाओं में है। तो गोव्रती बने, फिर देखो क्या वंडर्स क्रिएट हो सकता है। हा, वो दृश्य देखने को आंखें तरस रही है कि जब दिल्ली की एक एक गली में गोव्रतियों की दुकान, उनके लिए दुकान, वहां सब गाय के द्वारा ही प्राप्त सारी चीजें वहां मिले, गाय का शुद्ध माखन मिले, गाय का देसी गाय का घी मिले, उस देसी घी से बनी हुई मिठाइयों की दुकान हो, गोमूत्र और गोमय, एक विभाग पूरा है जहां गोमय के कंडे हवन करने के लिए और गो मूत्र के अर्क से बनी हुई औषधियां, वो एक विभाग, केवल गो गौ गौ गौ, बस उस दुकान में जाओ तो तुमको ऐसा लगे दुकान नहीं है, मंदिर है, गो तीर्थ है। इस तरह की दुकानें मिले, होगा उस दिशा में थोड़ा थोड़ा कार्य, उस दिशा में प्रयाण हो चुका। हमारे एक बड़े अच्छे प्रेमी हैं और वो इज फ्रॉम हैदराबाद आंध्रा, के शिव कुमार, हिज बोर्ड मेंबर ऑन ये तिरुमला देवस्थानम, उसमें भी ट्रस्टी है, वो मेरे से लगातार संपर्क में रहते हैं। जब तिरुपति में कथा थी तो हम दोनों साथ साथ 15 मिनट खड़े रहे बालाजी भगवान के सामने, प्रार्थना करी, उन्होंने
एक प्रस्ताव रखा बोर्ड में कि तिरुपति देवस्थानम के द्वारा 1,00,000 गायों का कम से कम पालन हो और देव मंदिरों को दिया जाए। और एक और भी प्रस्ताव पारित किया, अभी 2 दिन पहले मेरी बात हुई, कि तिरुपति देवस्थानम के द्वारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और सरकार को ये आवेदन किया जा रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। हमारे यहां एक कार्यक्रम था अहमदाबाद में, सुभाष उसमें थे तो उनको याद होगा, अखिल भारतीय मौलवी संघ के अध्यक्ष और इलियासी जी वो भी थे उस कार्यक्रम में, उनको बुलाया था तो वो थे, और उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि भाई आप सबके मध्य में हम आए हैं और हम सब उस मौलवियों के, अखिल भारतीय मौलवी उनके सेक्ट के मौलवी, उनके अध्यक्ष के रूप में मैं यहां से इस मंच से बोले भाई श्री की और संतों की उपस्थिति में भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि हम मुसलमान भी चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। ऑब्वियसली वर्तमान पत्रों के लिए वो खबर थी, वो छपी भी, तो उस दिशा में काम हो रहा है। गावो विश्वस्य मातरः, संपूर्ण विश्व की वो माता है। जो लोग ये समझते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, अन्य धर्मावलंबी हो, सब गाय की अहमियत मनुष्य के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए कितनी ज्यादा है वो समझते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। होगा वो दिन देखने को मिले कि गली गली में दारू की दुकान और लॉकडाउन खुलते ही मंदिर तो नहीं खोले लेकिन वो दुकानें खुली, बोले गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए। वाह वाह, दारू की दुकान सरकारी खर्चे को चला रही है, देखो क्या स्थिति है। और हम वो दिन देखना चाहते हैं कि जब गली गली में गाय के दूध के सेंटर्स ऐसे बने, गो द्रव्य वहां से मिले, वहां से अमृत बटे और उस गाय माता के चलते देश की इकोनॉमी भी समृद्ध बने। देवताओं से प्रार्थना करते हैं हमें वे उसके लिए सोच समझ और उस दिशा में काम करने की आग दें, और ऋषियों के आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त होते रहें ताकि फिर से दुजारू बहुत अच्छी अच्छी नस्ल की गाय हमको देखने को मिले, दर्शन करें, वो दयनीय नहीं रहे, वो पूजनीय है, पूजनीय बने और उससे हम सबका जीवन सब प्रकार से सुखी बने। आप सबको बहुत बहुत प्यार और साधुवाद। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गो माता, जय गोपाल, 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 जय गो माता, जय गोपाल।